सबसे पहले यहाँ पर स्टॉइनिस साहब की बात करें मनोज, क्योंकि 196 तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा श्रेय इस ऑजी ऑलराउंडर के नाम जाता है, जो पिछले सीजन एक अलग ही खिलाड़ी लग रहा था, लेकिन इस सीजन दिल्ली के कलर्स में मनोज, इट सीम्स लाइक वो अपने आप को ढूंढ चुके हैं आईपीएल में भी। नहीं नहीं ढूंढ तो चुके हैं और श्रेय उनको भी देना चाहिए, लेकिन उनसे पहले देना चाहिए चाहल को, क्योंकि वो जब 26 रन में थे एक आसान सा कैच उन्होंने मिस किया, उसके बाद उसने 27 रन ऐड किए और T20 फॉर्मेट में 27 रन ऐड करना उसके बाद बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है। लेकिन अगर कैच ड्रॉप को अलग करें, उसके बाद अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो कमाल के लय में लग रहे हैं वो। पहले मैच में भी उसी तरह वो बैटिंग किए थे, क्योंकि पीछे आके नाबाद रन बना के गए थे, वहां पे भी अर्धशतक बनाए थे। आज भी देखिए 26 बॉल में 53 रन नाबाद और 203 की स्ट्राइक रेट, उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। और उनके जोन में भी बॉलिंग बहुत किया गया था, ऐसा लगा कि थोड़ी बदलाव कर सकते थे फील्ड में और एंगल, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि जब बॉलर मार खाता है ना तो वो सोचता नहीं है, तभी सोचने वाली समय है। अगर एंगल चेंज करें उसके बाद भी मार खा रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले हमेशा कहा है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत जब आपकी अच्छी नहीं होगी, अगर उदाना का अगर बॉलिंग देखे पहले ही ओवर में अगर 13 रन कंसीड कर दें तो उसके बाद वो जो मोमेंटम है एक अच्छी कैरी ऑन करने के लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, वो पूरा नीचे की तरफ चला जाता है। मनोज आपने ऑफकोर्स इनको करीबी से किंग्स इलेवन पंजाब में भी आपने ऑफकोर्स देखा हुआ है, क्या ऑलवेज विदिन ऑफकोर्स जो फील्ड पे खिलाड़ी का दिखता है, अंदर जो जब आप ट्रेनिंग करते हैं और जो टीम का माहौल होता है, ये अक्सर बातचीत चलती है कि यार ये खिलाड़ी के अंदर ये क्षमता है, वो ये कर सकता है, स्टॉइनिस को लेकर ये हर वक्त बातचीत थी कि ये बड़े शॉट्स लगा सकता है एंड ऑफकोर्स ओवरऑल गेम को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? ये हमेशा भरोसा था उनके ऊपर, क्योंकि वो एक हेवी बिल्ट इंडिविजुअल है, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बुद्धिमान है। उनसे मैं बहुत बातचीत करता था, क्योंकि वो ज्यादातर मैच नहीं खेला था जब किंग्स इलेवन के लिए खेल रहे थे, तो मैं भी ज्यादा मैच नहीं खेल रहा था वहां पे, तो आपस में बहुत बातचीत होती थी। तो वो एक सीखने वाले इंडिविजुअल है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो वो अपने बैटिंग में बहुत मेहनत किए हैं, जो दिखता भी है, क्योंकि जिस तरह से वो आते ही चिप शॉट मारना शुरू किया स्पिनर को, देखिए आते ही जब अगर आप इनिंग्स बिल्ड करते हो ना तो अगर चिप शॉट मारते हो अच्छे बॉल पे, मुरली भाई अच्छा बोलेंगे कि चिप शॉट अगर कोई स्पिनर को कोई मारता है तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है बॉलर्स को, क्योंकि अच्छे बॉल पे ही चिप मार सकते हो आप। तो वो उस हिसाब से बिल्डअप किया लास्ट में फुल फोर्स में एक्सप्लोर करने के लिए, और वही हुआ। अच्छा जब कोई इनिंग्स बिल्ड करता है तो इससे जाहिर होता है कि वो सोच विचार उनका अच्छा चल रहा है उस समय।